रुका हुआ हूँ मैं, तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, काफी अच्छा लग रहा है। गाड़ी चलाना सीख लो यार, जो लोग को नहीं आता जैसे मैं। ये और आज हमारा फेवरेट कीवी भी आ गया है। तुम्हारे चक्कर में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है फ्रूट में पता है? नहीं है, मेरी कमाई नहीं जितना पैसा बर्बाद हो रहा है इसमें। बदतमीज नहीं है, मैं बदतमीज नहीं बात कर रहा हूँ, तुम प्यार से बोल सकती हो। ये सब चीजें तुम भी रख सकती हो। तो शादी करके लाए खिलाओगे भी नहीं क्या तुम खाना? शादी करके लाया तो खिलाओगे नहीं क्या तुम? तो यार लिमिट में खाओ ना, इतना फ्रूट कोई खाता है क्या? निपोर चरखा क्या होता है? तमीज से बात करो। गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू देसवाल यूट्यूब चैनल। तो आज ड्राइविंग क्लास का सतवा दिन है, चलते हैं और फटाफट आप लोग चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो भैया। आज ड्राइविंग का सतवा दिन है, उड़ा दूंगा आज। तो भैया अपनी गाड़ी खड़ी है तैयार एकदम, और आ गया हूँ मैं चलाना सीखने के लिए। धन्यवाद भैया जी। भैया जी गुड मॉर्निंग। चलो भैया बैठते हैं। सातवा दिन है क्लास का और गाड़ी चलाना सीख रहे हैं धीरे धीरे। जब भी मैं बोलता हूँ रेड लाइट ऑन हो जाती है। फिर से बत्ती हो गई है और रुका हुआ हूँ मैं, तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाड़ी चलाना सीख लो यार, जो लोग को नहीं आता जैसे मैं सीख रहा हूँ। बताओ आधा एज निकल गया तब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, ज़िंदगी के आधे मजे तो मैंने लिए ही नहीं, अब लूँगा मैं ज़िंदगी के आधे मजे सारे। तो अब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ गाइस, और बच चुके हैं 9:15 सुबह सुबह। देख रहे हो कितनी धूप है, बहुत ट्रैफिक है दिल्ली में। चले बने रहिए ब्लॉग में। गाइस ड्राइविंग क्लास से आने के बाद टाइम हो गया है कुछ फल फ्रूट लेके आने का। तो आज मंगलवार है, मैंने सेविंग नहीं कराई, और कल करवाऊंगा, कल बुधवार को करवा दें। मंगलवार को बहुत सारे लोग नहीं करवाते, तो हम भी नहीं करवाते हैं। पहले चलते हैं फल फ्रूट लेने, गए अपनी फेवरेट दुकान पे फ्रूट लेने के लिए। और आज हमारा फेवरेट कीवी भी आ गया है, तो कीवी भी लेके जाएंगे, अंगूर भी लेके जाएंगे, ग्रेप्स भी लेके जाएंगे, सारी चीज़ें लेके जाएंगे। भैया भी खड़े हैं, तो केला भी लेके जाएंगे। आ गई ना गाइज, फ्रूट लेने आ रखा हूँ, और फ्रूट तो लगभग मैं रेगुलर ही लेके जाता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज फ्रूट को लेकर के ना किट्टो के साथ प्रैंक करता हूँ। किट्टो को बोल रहा हूँ मेरा सारा जो सैलरी है, जो कमाई है, तुम्हारे फ्रूट पे ही खर्चा हो जा रहा है, ऐसे मतलब करके उसको भड़काऊँगा, देखता हूँ जो क्या रिएक्शन देती है, क्या बोलती है। तो अभी अंगूर वगैरह ले लिया है, बाकी सारी चीज़ें ले लेते हैं। टोटल 520 रुपये का ये फ्रूट हुआ है। बाप रे, आज किट्टो की लगी क्लास। फ्रूट ला के रख दिया, नहा धो चुकी, क्या नजर आ रहा है, कपड़ा क्या पहने थे? वही कह रहे हैं नहा धोकर के आ गए किचन में। हाँ। तुम्हारे चक्कर में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है फ्रूट में पता है? नहीं है, और कुछ खाते बाहर का ये वो चीज तो वो ठीक रहता, वो भी तो आता है, जाओगे 50 रुपए का 150 का ऐसे तो मिलता है ना, मिलता है कि नहीं? नहीं, तुम वैसे फ्रूट में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर रही हो। पता कितने का फ्रूट आया? 550 रुपए का फ्रूट आया। इतना तो मेरी कमाई नहीं जितना पैसा बर्बाद हो रहा है इसमें। तो क्या हुआ, कमा किस लिए रहे हो? बहस करोगी मुझसे तुम? बहस के लिए पैदा ही? बहस करोगी मेरे से ना ऊंची आवाज में बात करूंगा। मैं ऊंची आवाज में बात करूंगा। थोपड़ा देख लो। थोपड़ा क्या देख लो? कमाते किस लिए हो? तुम्हारे लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं। और क्या, तो अपने लिए सब कुछ कर लिया करो, बना के खा लिया करो। तो शादी करके लाए खिलाओगे भी नहीं क्या तुम खाना? शादी करके लाए तो खिलाओगे नहीं क्या तुम? तो खिलाते तो है, ये ज्यादा खा रही हो तुम। वो ताना क्या मार रहे हो, ताना क्या मार रहे हो? ज्यादा खा रही हो तुम, ज्यादा खा रहे हैं। अब हम भी कमाते हैं, साथ साथ में हम भी खटते हैं, अकेले नहीं खटते हो। क्या खटते हो तुम, क्या खटते हो भैया? जागते हैं, मेहनत करते हैं। कौन सा मेहनत कर रही हो? तुम्हारा मेहनत कहीं दिख नहीं रहा है, मेहनत का असर आपका दिख रहा है ना? मेरा तो दिख ही रहा है, तुम्हारा नहीं दिख रहा है। कम बोला करो, कम नहीं बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। अब आप सर पानी से ऊपर चला गया है, तुमको बर्बाद कर दिए ना। बचा ही क्या है मेरे पास, सब तो बर्बाद है। कुछ था नहीं, कुछ हो गया, ये सोचो। क्या कुछ नहीं था, क्या हो गया है? क्या था पहले देख लो, क्या था, क्या था, आप ही देख लो क्या था। मिर्ची का ये मुझे मिर्ची नहीं लगे, तुम्हें मिर्ची लग रही है। सब कुछ कैमरा के सामने ना ओपन करने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा कैमरा ऑन करके खड़े हो जाते हो, सोचते बहुत बहादुरी वाला काम करते हैं। दुनिया भी तो सुने कि तुम कैसे मुझसे बात कर रही हो। आप दुनिया भी तो सुने कि आप किस तरह से हमसे बोल रहे हो, खा रही हो, किसका खा रहे हैं बता रहे हो आप? करो तो यार लिमिट में खाओ ना, इतना फ्रूट कोई खाता है क्या? मैं तो बस खाली एप्पल और ये खाती हूँ, आप तो दुनिया भर का केला, निपोर, चरखा सब ला के।
ये निपोड़ चरखा क्या होता है? तमीज से बात करो। ढंग से बोलने की तमीज ही नहीं है। केली केला नहीं होता, केला होता है, केली नहीं होता है। अच्छा ठीक है, हम आपसे बहस करना नहीं जानते हैं और हमको लड़ना नहीं है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है। उसके बाद आपको हमको नींबू पानी बना के रखे हैं, पीना है पिए, नहीं तो हम जाइए अपने हाथ से सब कुछ कर लिया। चाय भी गर्म मुझे खुद ही पी लीजिएगा। अरे यार, अगर हम तुमसे बोल भी दिए कि इतना महंगा फ्रूट आ रहा है तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? गुस्सा वाली बात ये है कि औरों की तरह मैं और कुछ तो खाती पीती नहीं हूँ कि यहाँ कुछ और चीजें बर्बाद करूँ। ये तो हेल्थ के लिए ही अच्छा होता है। गर्म पानी रखें, गर्म पानी नहीं पिया जा रहा है, नॉर्मल पानी पिएंगे जरूरी है। यार थोड़ा सा प्यास लगा रहा हूँ। तो बहुत बहस करती हो यार तुम तो। सब आप ही से सीखे, इतना बोलना नहीं जानते थे। हम तुमको बोलना सिखाया है। जी बिल्कुल, हमको देख के बहुत अजीब सा लगता है, खरबूजा समझ लीजिए। पेट के लिए कितना अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। काट लिया करो। काटोगे भी नहीं क्या? तुम्हारा बहस सुनने के लिए इसीलिए तो हमसे लग रहा है शादी किए हो। देखिए आदमी अपना खुन्नस कहाँ निकालेगा, कोई तो होना चाहिए ना जिससे लड़ाई झगड़ा करे। सही है, और कुछ काटना है एक्स्ट्रा? कीवी लेकर आओ, तुम्हारा तो कीवी भी पकी है। सो गाइस, कीवी एकदम भड़का दिया है मैंने। क्योंकि कीवी इतना महंगा है, मैं खाता हूँ 200 का चाटू लेकर आते हो तब नहीं बोलते हो? यार मैं कमाता हूँ तो खाऊंगा, तो मैं भी बना के खिलाती हूँ तो खाऊंगी। तुम मेरे से बहस करोगी, लड़ाई करोगी मुझसे? छोटे से फल के लिए इतना सुनाने जैसा लग रहा है मैं अकेले ही खाती हूँ, आपको नहीं देती हूँ। लाए हो इतना महंगा तो सारा मैं अकेले ही खा लूंगी। अभी 400 का यही आ गया है तब नहीं बोलेंगे? कहाँ 400 का आ गया है, लिखवा दिए कि 400 का फल ये है, तो 400 में लग रहा है कि ये नहीं है, 200 का तो यही हो गया। अगर हम तुमसे बोल भी दिए तो हम पति है ना, तो हम भी आपसे बोल दिए ना, तो उसका जवाब पा गए ना, तो हम भी आपकी पत्नी है ना। तुम हमसे बहस करोगी? मैं आपसे बहस, मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम गाय की तरह एकदम दब के रहो, हम कुछ बोलते एकदम शांत रहो। वो जमाना नहीं है कि हम गाय की तरह रहे, आप भैंस की तरह बोलते रहे, वो जमाना गया। मुझे वैसी ही लड़की चाहिए। ऐसे ही लड़की ना तब ढूंढ लिए होते हैं। हम तो यही सोचा था कि तुम वैसी ही लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इतना भड़का हुआ हो। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप भी इतना बोलेंगे, समझ में आया? हम तुमको पहले कभी बोले थे? मन हो गया था ना। तुम्हारे मेरे बीच में लड़ाई होती है? क्यों नहीं होती है, बहुत खतरनाक वाला होता है। कितना खतरनाक लड़ाई होता है तुम्हारे मेरे बीच में? आप खुद ही जानते हैं, इसका मैं बता नहीं सकता। हमारे तुम्हारी लड़ाई तो बस मन मुटापा होता है, तुम नहीं बोलोगी मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा मन मुटापा टाइप का होता है। इसमें रखे यार, फल की जगह भी नहीं है। पहले हम नींबू पानी पीते हैं। लो नींबू, एक तुम पियो, एक नींबू पानी हम पीते हैं। एहसान कर रहे हैं, एहसान करे लाके यहाँ पे रख के। ये मन करा थपड़ाके थपड़ाक मारे। 500 का फल ला लिए, ठीक है मानते हैं। और उसके बाद टोकरी रखने के लिए जगह लाए हो? टोकरिया कहाँ है, वो छाना वो उसमें रखी होंगी, सब्जी रखी होंगी। गरीब आदमी कहीं भी रख देगा फल फ्रूट। इतना बड़ा दुनिया भर का सब कुछ ले लेते हो, एक फल रखने के लिए टोकरी नहीं ले सकते हो? चलो आज वो भी आ जाएगा और बताओ। लेकिन फ्रिज में रखते हैं ना, फिर वो बहुत खराब हो जाता है फल। जो कटा हो फ्रिज में वही फल रखो, बाकी ये केला नहीं रखना फ्रिज में, संतरा ऐसे मत रखो, अंगूर रख सकती हो। अंगूर में तो ऐसे जैसे लग रहा है बर्फ का। हाँ तो सही है, खराब हो गया था उस दिन। कितो पेट अंदर जा रहा है? मेरा जा रहा है, मैं इतना नोटिस की हूँ। अब आपका जा रहा है नहीं जा रहा है ये आप जानो। लो अपना 500 का फल ले जाओ, जिस तरह से लेकर आए थे ना उसी तरह से ले जाओ। ये क्या बात हुई यार, कहाँ रखूँ? जहाँ से लेकर आए थे वहीं पहुँचा दिया। तमीज से बात किया करे यार, वो इतना बदतमीज नहीं है। अच्छा मैं बदतमीज से नहीं बात कर रहा हूँ, तुम प्यार से बोल सकती हो। रोड पे ये सब चीजें तुम भी रख सकती हो ले जा करके। तो मैंने कौन सा तेज से बोला है, चलो।
A few moments later. गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसे मेरे पर चिल्ला रहे थे, मुझे पता है कि ना वो कैमरे के सामने तो ऐसे आप मेरी बेइज्जती, मतलब ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते हो, कभी आज तक मेरे खाने पीने के लिए तुम कुछ बोलते ही नहीं है। और एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो खाने पे मेरे ज़्यादा इतना ध्यान देते हैं कि ऐसे खा करो ऐसे खा कर करो, फिर आप मुझे अब वो मेरे ऊपर ज़्यादा भड़क रहे हैं, मैं उनके ऊपर क्या करती हूँ। आपने देखा नहीं, वो पानी पिए ना, ये चाय है, चाय में क्या करेंगे हम एक चम्मच पूरा नमक डालेंगे, आप लोग देखिए कैसे करते हैं हम, उनको देंगे हम पीने के लिए। पहले मैं चाय गर्म कर लेती हूँ, ये रहा नमक, बहुत ज्यादा से आपको स्मार्ट समझती हूँ मैं, इसमें देती हूँ, इसमें देती हूँ, चाय ले लीजिए। गरीबी क्या होती है मुझसे पूछो, 5 साल से 1,000 का नोट भी देगा। दोस्तों मैं ले चलती हूँ चाय, आज एक मैं एक्स्ट्रा चाय यहाँ पे रखी हूँ, फिर उनके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। आप देखना यार अचानक से ये आ भी गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था क्योंकि वो रील्स बनाने के चक्कर में आए थे, कसम से बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रही ना ऋषभ। चाय कमर बहुत दर्द कर रहा है, चाय के साथ, चाय के साथ आप आओ इसमें डुबोऊं और आपको खाऊं। जा चाय लेकर, कुछ दे दे चाय के साथ चाचा को, क्या लैग ले लिया, बिस्किट ले लिया ना, को कोई भी काम बोलो ना यू भागता ही हूँ, और चाचा के नाम से तो और तेज भागता है कि चाचा के लिए। शांत हो गए, शांत हो गए, तुम्हें कैसा लग रहा हूँ, देखा लग रहा, शांत हो गए। देखे जब इनको इनका फेवरेट चाय वगैरह मिल जाता है ना, कहाँ नमक जाना है, जरा पागल हो गया, नमक नहीं है पागल, चाय है, नमक है, कहाँ नमक है, नमक डाली हूँ देखे। मेरे साथ ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो ना, इसमें मैंने पानी मिलाया, नमक मिलाया, चाय मिलाया, मैं आपके साथ ऐसे कर दी, और देखो ये बहुत ज्यादा आप लोग के सामने गाइस देखे ना आग, और ये आ गए, इनको पता भी, ये रील्स के चक्कर में थे कसम से, इनको पता, आपको पता चला जब मैंने वो मिला रही थी, नहीं मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा चाय छान रही हूं मेरे लिए। ये अपने आपको ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो मुझे भी कुछ नहीं, और तुमने बेडशीट खराब कर दिया, उसे भी थूक दिया, तुम ऐसा इतना ज्यादा मुंह के अंदर आया नमक, इतना ज्यादा नमक है जैसे लग रहा है ना, होता है ना नमक का कोई पूरा पैकेट मुंह के अंदर डाल दिया, इतना नमक, मैंने एक चम्मच पूरा भर के, इसको पता था क्या, ये खड़ा था वहीं पे, लेकिन इसको तो नहीं पता था, मुझे लगा इसमें नमक, मतलब इसमें नमक के डिब्बे में, आप खाओ कसम मेरे को आपको पता नहीं चला, भगवान कसम मुझे नहीं पता, ये था ना वहाँ पे, मैंने इसलिए ना, इसका दिमाग कैसे चलता है मुझसे, इसमें जानते हो मैंने क्या किया, आप दबा गए ना, मैंने कैमरा बंद करके तुरंत इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और क्योंकि चाय थोड़ा सा, क्योंकि चाय इनको देना था, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा चाय इसमें डाल के पानी और एक चम्मच नमक डाल दिया, प्रैंक नहीं ये, आपसे बदला है जो चिल्लाए हैं आप, और मुझे पता है कि आप कैमरे के सामने ऐसे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो मेरे ऊपर इतना ज्यादा ध्यान रहता है कि तो ये खा लो कि तो खा लो, तो आज छोटी सी चीजों के लिए आप मुझे कैमरे के सामने बोलेंगे, तो मुझे ऐसा कुछ दिमाग मेरे घुस गया कि कैसे मिला बोरोली, मम्मी तो लगी थी। हाँ तो गाइस ये अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते, सोचे कि मैं किट्टू बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, सचिन भाई है तो सचिन भाई तुरंत मेरे को बेवकूफ बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं, लेडी सब पिएगा, इसमें पानी था और नमक और वो था, और पानी से थोड़ा दूध लो उसको, कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन आपने थूका है वो सूख गया गर्मी की वजह से, आपको पता है आपको नमक लगा तो आज कोई भी इंसान रहेगा कहते हैं, लेकिन पानी छोड़ के हम चाय गर्म करके फिर से लाते हैं। कैसा लगा आपको,
अच्छा किया तुमने, अच्छा वीडियो बनाया, प्रैंक अच्छा किया। आपको पता भी, मैंने भी उसी में खेल लिया। लेकिन मुझे लगा ये नमक सा क्यों लग रहा है, मुझे लगा बिस्किट की वजह से नमक सा लग रहा है। नमक नमक तो चलते हैं, इनको चाय दे देते हैं। ये इसको खास कर दीजिए और अपने आप को हंसिया में। तो गाइस देखो ये मैं, इसमें पानी ज़्यादा था क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अचानक से बॉटल रखा था मेरे ऊपर ना, ये पानी आप देखे ना, ये पी रहे थे तो मैंने ये क्या किया, मैंने इसमें टाइप किया, खुला ढक्कन नहीं था, और ऐसे में उधर से लेती तो इनको पता चल जाता, और ऐसे उधर वो वीडियो बना रहे थे तो मैंने ऐसे खट्टे से डाल दिया थोड़ा सा। तो मैं इनको चाय देती हूँ। अब ये मेरा रास्ता नहीं मालूम है कहाँ, ये चाय अब इनको पसंद आएगा चाय। अब लीजिए चाय। बहुत ज्यादा चाय बाबू, अब क्या करें, तो आप फिर से तो नहीं कर रही प्रैंक? नहीं यार, फर्स्ट टेस्ट करेंगे। अब नहीं कर रहे हैं आपको, इतना नहीं बेवकूफ है, लीजिए आप मिस कर दिया। दोबारा प्रैंक कर दो तो जा दोस्तों, मैं चलती हूँ किचन, थोड़ा साफ कर लेती हूँ, ठीक है? मैंने खाया नहीं और लपर लपर अपना खाना शुरू कर दी। आपका उधर है? मेरा उधर है, लेकिन तुम इतना तेजी से खाई क्यों? लेकिन किटो आज जिस तरीके से तुम मुझसे बात की हो ना, ये सही नहीं किया है तुमने। और क्या देख रही है? मुझे जवाब चाहिए तुमसे, मेरे पास जवाब नहीं है। तुमने मेरा वेट भी नहीं किया और लपेट गई पूरा। ये सब में वेट नहीं किया जाता। पढ़ रहा है मेरा बेटा, पढ़ रहा है, ड्राइंग कर रहा है मेरा बेटा। इधर ऋषभ को डेली ड्राइंग वगैरह पे लगा दी है, जब तक इसका एडमिशन नहीं हो जाता तो मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, फिर सुना किट्टू इसको पढ़ाती है, अपने संरक्षण में रख करके बताती रहती कि ऋषभ ऐसे नहीं वैसे करो, और इसको जो भी है रैबिट क्यूब सब बताते हैं। ऋषभ अच्छा लगता है पढ़ना, अच्छा लगता है? हाँ मैडम, मैडम अरे तो भौरा आएगा, जहाँ मधु होगी वहीं तो भौरा आएगा। लेकिन तुमने आज मुझसे बहस करके सही नहीं किया किट्टू, तुम इतना फल फ्रूट खा करके पैसा मेरा बर्बाद कर रही हो। ज्यादा ब्लॉग खींचने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ब्लॉग शूट किया था नमक कलर में, मैंने आपके फोन में दे दिया है। क्या शूट किया था मतलब तुमने? ये वाला वीडियो। तुम शूट किया था तुमने? अभी पता चल जाएगा, वीडियो देखो। ये मैंने शूट करके पहले रख लिया है। क्या शूट किया है? लोग इसको जब ऐड करोगे ना, मैं आपको इसको दे, मैंने आपके फोन में दे दिया है, तो लोग पता चल जाएगा कि हाँ आप मेरे साथ बेवकूफ़ी कर रहे थे, सोच रहे थे कि बेटों को परेशान करता हूँ, देखता हूँ क्या करती है, तो आप मेरे को प्रैंक कर रहे थे, मैं खुद आपके ऊपर भार कर दी कि मैंने तो चलो कहीं आप पे मैं ना कर दूँ। मतलब तुम्हें पता चल गया तुमको डांट रहा हूँ, तुम्हारे पर प्रैंक कर रहा हूँ? वो कोई कैमरा ऑन करके डांटता है, डांटना भी रहेगा तो कैमरा ऑन करके डांटेगा। मैं तो ऐसे ही डांटता हूँ। दादा सॉरी बनते हो ना आप, ऐसा तो बुद्धू कोई है ही नहीं इस दुनिया में। है किटो नहीं, आपका लिपस्टिक वाला काफी खूबसूरत लगता है, कौन सा है? किटो रानी ही खूबसूरत ये वाला लगाती है किटो रानी, ये लग नहीं रहा। इसका नंबर कितना है किटो, मिट गया क्या नंबर इसका? नंबर हट गया इसका, 3 नाइट आउट। हाँ ले लूँ एलिफेंट, पहले रैबिट कर लो, रैबिट करो अच्छे से। सो गाइज आज मैं जो प्रैंक करना चाह रहा था, मेरा प्रैंक हो गया फ्लॉप, क्योंकि किट्टो रानी ने गेस कर लिया कि भैया उनके पति उनको डांट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पति देव बहुत महान है। ये देखो गाइस कैसा हो गया, ये सोचिए जब इनको हम खुद ही बोलते हैं किट्टो तुम ये खा लो, किट्टो तुम वो खा लो,
तो इसके लिए मैं कैसे डांट सकता हूँ इनको? और फल फ्रूट कोई डांटने वाली चीज़? फल फ्रूट आदमी बोलता है और खाया करो, आप कुछ कपड़ा दे दो, नहीं तो फिर मैं पोछ लूंगी। इस देखो नहीं चढ़ा हो गया। सो गाइस मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, और ये वाला वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।